बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी तड़का विद प्रवीण। तो जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब खैर वफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो आज मैं आप सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मटन की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन करें कि ये बहुत ही लजीजदार बनती है, तैयार होएगा इंशाल्लाह, बनती नहीं तैयार होएगा। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो मटन ले लिया है, ठीक है जी। ये मटन है जी बकरा ईद का, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरे पास है जी, अभी मैं बताती हूँ जी, ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून पीसी हुई ब्लैक पेपर, और यहाँ पे मेरे पास ज़रूरत के मुताबिक नमक, और ये लहसुन के 3-4 जवे, ठीक है। और यहाँ पे अदरक, और यहाँ पे है जी गोल, यानी कि पीसी हुई, ये नहीं है मिर्चें, काली मिर्च, साबित मिर्च। और यहाँ पे मेरे पास गोल मिर्चें हैं, अगर आपके पास लंबी वाली है तो वो ले लेना। यहाँ पे 2-3 दाल चीनी के टुकड़े हैं। यहाँ पे मेरे पास ये है मोटी इलायची और सब्ज़ इलायची, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला आज हम विदाउट ऑयल के ज़बरदस्त आपको मटन बना के दिखाएंगे। आपके घर मेहमान आए तो इसी तरह तैयार करना इंशाल्लाह ताला। मेहमान बार बार कहेंगे हमें इसी तरह की रेसिपी बना के खिलाएँ जी। चले चूल्हे पे मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया, ये हल्का सा गर्म हो गया, ये देखें जी, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी सारे मसाले जा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह इसको जब तक बॉयल नहीं आता वेट करते हैं जी। तो जी यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो पानी है अच्छी तरह बॉयल हो गया, देख रहे हैं जी। ये काली मिर्चों की वजह से इसका कलर जो है डार्क हो गया, देख रहे हैं जी। अच्छा आज आप क्या काम करना है जी, जो मटन है उसको बड़े ध्यान से डालना है। देखिए जी, मटन मैंने डाल दिया। काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे जी हमें ऐसा मटन खिलाएं, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको सारे मसाले जात बताए हैं कि ये मसाले, इसके अंदर लाल मिर्चें नहीं डालनी, हल्दी नहीं डालनी, कुछ भी नहीं डालना। एक किस्म का नमकीन गोश्त, नहीं नमकीन, ये एक समझो कि ये एक यूनिक रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ठीक है जी। अब हम इसको कवर करके रखते हैं, तब तक आप लोग भी वेट करें और मैं भी वेट करती हूँ इंशाल्लाह ताला। ये कम से कम 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि अच्छी तरह जब गल जाएगा तो तब रेडी होगा। रेडी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं जी, माशाल्लाह पानी जो खुश्क भी हो गया है। और अच्छा जी, एक मैं आप सबको बात बताऊं कि ये जो गोश्त है, ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त गल गया है। क्या मैंने काम किया कि मैंने प्रेशर में 5 मिनट लगाया, इसलिए क्योंकि इसके अंदर माशाल्लाह ना हड्डियाँ थी, और इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा प्रेशर दिया ताकि अच्छी तरह गल जाए। ये देखें जी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसको हम अच्छी तरह करेंगे जी खुश, और फिर आपके साथ जी शेयर करेंगे। इतना ज़बरदस्त, इसके अंदर मैंने कोई ऑयल नहीं डाला, ठीक है जी। ये ऑयल के बग़ैर है जी, ज़बरदस्त है ये, इससे डाइटिंग भी होएगी। यानी कि जो लोग ऑयल पसंद घी नहीं करते, इसी तरह बना के खाना, और यकीन करो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हुई है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मटन है वो ज़बरदस्त तैयार हो गया। ये देखें जी, नीचे से थोड़ी सा जी ग्रेवी भी बन गई है, ठीक है जी। अब क्या काम करना है, इसके अंदर थोड़ा सा मैं धनिया डालूंगी, धनिया डाल के फिर इसको मैं डिश आउट करती हूँ। यकीन करो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, हमारा सिंपल मटन जो है कितना ज़बरदस्त तैयार होया, बग़ैर हमने ऑयल के बनाया है। इंशाल्लाह आपके घर भी मेहमान आए तो इसी तरह बनाना, और उम्मीद करती हूँ कि आपके जो घर में मेहमान आएंगे उनको ये रेसिपी बहुत पसंद है। ये देखें जी माशाल्लाह भी बिल्कुल कंप्लीट मैंने इसको गला लिया है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी रेसिपी है वो ज़बरदस्त तैयार होगी, यकीन करेंगे बहुत ही मज़ेदार। अच्छा, अगर आपका दिल चाहे तो इसके अंदर ऊपर थोड़ा सा आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं, ज़ीरा मुँह में आएगा तो बहुत ही मज़ेदार। इसके अंदर जैसे मैंने बताया ब्लैक पेपर, जीरलम परलम, मतलब एक मिसाले, सिंपल मिसाले मैंने डाले, अदरक डाला है, लहसुन डाला है, और सिर्फ काली मिर्च, नमक, और ये है जी मोटी मिर्च मैंने डाली थी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप भी ज़रूर बनाएं, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये मटन कैसा बग़ैर ऑयल के
लगा।